नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों 2023 जा चुका है और आज है साल का पहला दिन 2024 का और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बॉक्स और इस बॉक्स में है अमेजिंग सी एक डेली प्लानर डायरी जो की है टिनी चेंज की तरफ से। क्या 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 जो की है टिनी चेंज की तरफ। इसकी अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे और ये पिछले साल भी मेरे पास थी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी लेकिन वो वीडियो किसी कारण करके लेट हो गई। चलिए उसके ऊपर बात नहीं करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो टिनी चेंज की तरफ से डायरी है ये बहुत ही कमाल की डायरी है और इसमें आप डेली रूटीन प्लान कर सकते हैं, फाइनेंशियली मैनेज कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इसमें अपना मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये टिनी चेंज की तरफ से एक ब्यूटीफुल सी डायरी और जिसके ऊपर की ईयर लिखा हुआ है और सबसे पहले इसके ऊपर अमेज़न की तरफ से ब्रांडिंग करके स्टिकर वगैरह लगा हुआ जिसमें एड्रेस वगैरह सारी चीजें हैं। तो इसको जल्दी से अनरैप करते हैं और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों ये है वो प्लानर जिसको हम अभी अनबॉक्स करने वाले हैं और जिसके की बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स है और इसके ऊपर लिखा हुआ है टिनी चेंज 2024 लाइफ प्लानर करके इसका नाम है। अमेज़न से इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहां से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके ऊपर आता है बहुत ही प्यारा स्मूथ सा एक कवर। तो दोस्तों इसको लेमिनेशन शीट से रैप कर रखा है इन्होंने, इसको निकालते हैं। और दोस्तों बॉक्स की बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, तो अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे मई 2024 बिट बेस्ट यू। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर वो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स जो है निकाल दिया इसका और ये है एक कवर इसके ऊपर और इसको हम यहाँ से ऊपर से निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अभी डायरी की बात नहीं करते, इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले आती है इसमें दो छोटी छोटी बुकलेट, इनमें देखते हैं क्या चीज है, मुझे भी आइडिया एक्चुअली नहीं है इसका। तो ये जो है डायरी है छोटी वाली जिसमें आपकी वीकली प्लानिंग हो सकती है और इसमें आप वीक का जो भी आपका रहता है शेड्यूल उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है, डेट वगैरह लिख सकते हैं और नीचे इसका मंडे ट्यूसडे कौन सा दिन है वो वाला चूज करके आप अपने टास्क वगैरह लिख सकते हैं। नाइस, और ये चीज बहुत बढ़िया है अगर आपको ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा और आपको चाहिए कि कुछ कुछ काम आप दो तीन या पांच काम जो है आप इजीली अपने साथ कैरी कर पाए लिख के, या फिर मार्केट से कुछ लाना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी मेरे ख्याल से। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है, बाकी आप बताइए कि आपके काम में आएगा नहीं आएगा। और यहाँ पर लास्ट पेज पर एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है इन्होंने, वो भी आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, जैसे कि 8 वेज टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि सिंप्लीफाई योर होम, सिंप्लीफाई योर फाइनेंस, सिंप्लीफाई योर कैलेंडर, सिंप्लीफाई योर प्रायोरिटीज, गोल सेटिंग्स, योर रूटीन, योर वर्डेबल। सो दोस्तों ये छोटी सी डायरी भी बहुत कमाल की है, इसको अभी साइड में रखते हैं। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टिनी चेंज की तरफ से पॉकेट मील प्लानर भी है, तो जिसमें कि आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं का अगर फ्रंट पेज देखेंगे तो यहाँ पर नाम वगैरह लिख सकते हैं आप और यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई हैं, तो ये सारा भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। मेजरमेंट कैलोरीज वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके आगे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका वीक का प्लान है मील प्लानर है उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे पूरा लिखा हुआ है और ऊपर है ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और डिनर, तो ये भी बहुत ही यूजफुल होने वाली चीज है। तो फ्रेंड्स ये इसके सारे पेजेस हैं और लास्ट में इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है जो पिछली वाली डायरी में प्लानर में थी। और लास्ट में कुछ नोट्स लिखने के लिए आपको पेजेस मिलते हैं जहां पर आप अपने थोड़े बहुत नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हमारी मेन डायरी की। टिनी चेंज की तरफ से आती है ये 2024, इसके ऊपर लिखा हुआ और लिखा है द ईयर ऑफ ग्रोथ और नीचे टिनी चेंज लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऑसम सी डायरी है, तो आपको दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके। सो फ्रेंड्स जो सबसे पहला पेज है उसके ऊपर आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं और आता है फिर कंटेंट ये वो। सो फ्रेंड्स अभी मैं ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। ओके okay.
ये बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप इसको पढ़ के आराम से देख पाए तो आपको भी यूजफुल लगेगी कि डायरी वाकई यूजफुल है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं, जैसे कि 4 keys टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ और मॉडल टू चेंज योर लाइफ, एक्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम और पर्पस, ये सारी चीजें, और की लर्निंग फ्रॉम 2023। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी थी, क्या क्या आपने सीखा है पिछले साल में और क्या क्या आप रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये लाइफ कॉम्पास करके है और यहाँ पर 45,000 weeks करके लिखा हुआ है, 4500 weeks सॉरी। तो यहाँ पर आप अपना सारा वीकली प्लान कर सकते हैं। और माय ट्रू सेल्फ, इसमें आप अपने सारी चीजें जो आपके बारे में है लिख सकते हैं, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, आपके असली दोस्तों का नाम या फेवरेट ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और पैशन लिख सकते हैं, बाकी सारी हॉबीज वगैरह सारा कुछ। तो आगे है लाइफ अचीवमेंट्स और माय ड्रीम लाइफ लिस्ट ऑफ गोल्स, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपका गोल है या कौन कौन सी चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैकबुक, फिर मुझे जेड फोल्ड का फोन लेना है सैमसंग की तरफ से जो है, और एक SSD ड्राइव लेनी है। तो ये होगी हमारी गोल लिस्ट। और उसके आगे है माय कोर वैल्यूज, 10 रूल्स आई, और यहाँ पर आपकी हैबिट्स को एलिवेट करने के लिए, और 3 बड़े गोल जो इस साल आप अचीव करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और रोड मैप आप यहाँ पर बना सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो उसके बारे में आप ये सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं, या कोई बिजनेस आइडिया है आपके पास तो उसको आप यहाँ पर रोड मैप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड गोल मैप, और थर्ड इसके बाद में आता है द प्लान टू लिव योर बेस्ट लाइफ। यहाँ पर आप अपनी हेल्थियर मी, हैप्पियर मी और वाइजर मी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बहुत कुछ, और उसको आराम से पढ़ के आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हेल्थियर मी मतलब मैं 40 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा भाई हर रोज, और योगा करूंगा 15-20 मिनट, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और वाइजर मी और हैप्पियर मी, क्या क्या चीजें आपको बूस्ट करती है, क्या क्या चीजें आप खुशी देती है, वो चीज नोट कर सकते हैं। और वेल्थियर मी, इसमें आप अपना फाइनेंशियली लिख सकते हैं, और ये एक विजन बोर्ड है तो यहाँ पर आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है कैलेंडर की इवेंट, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी डेट्स का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपका वीकली डिजाइन, तो ये माई आइडियल वीक डिजाइन करके यहाँ पर है। यहाँ पर आप अपना टाइम स्लॉट के जरिए अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, माई आइडियल डे डिजाइन, मॉर्निंग रूटीन और वर्क डे का रूटीन, फिर वर्क डे क्लोजर रूटीन, नाइट रूटीन, ये सारा यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक आता है ये वाला पेज, प्लानिंग पेजेस एक्सप्लेन करके, इसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले आपको मेन पेज दिखाता हूँ। के आगे आएगा ये वाला पेज, वीकली प्लानिंग पेज, और आगे आएगा फ्रेंड्स ये वाले 2 पेज। तो यहाँ पर आप अपना कलर वगैरह कर सकते हैं, और ये जो है फ्रंट पेज होगा, हर मंथ चेंज होता है तो उसके स्टार्टिंग में ये वाला पेज रहेगा। सो दोस्तों, ये होगा आपका फ्रंट पेज जनवरी मंथ का, और इसी तरीके से सारे पेजेस होंगे, जैसे कि मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, संडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ पर पूरे मंथ की डेट्स वगैरह मेंशन है, आप इसमें सारी चीजें फिल कर सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पर 3 गोल जो है बिग गोल आप इस महीने करना चाहते हैं जनवरी में, तो वो यहाँ पर नोट करेंगे। जैसे कि मुझे टेक्निकल चैनल की वीडियो शूट करनी है या टेक चैनल चलाना है, वो मेरे लिए अभी बड़ा टास्क है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा 3 गोल्स, और यहाँ पर हेल्थियर, वेल्थियर, हैप्पियर, वाइजर, ये चीजें भी लिख सकते हैं, और की टास्क दिस मंथ, और यहाँ पर आप अपने 4 जो है, और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट है और उसमें कौन कौन से काम करने हैं। जैसे मान लीजिए मेरा टेक चैनल है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक पवन करके, टेक चैनल करके, और उसके नीचे मुझे जितनी भी वीडियोस डालनी है उसके हिसाब से अपना मैं डाल सकता हूँ। या फिर मेरा कोई बिजनेस है तो यहाँ पर मुझे अपना बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, अगर मैं जॉब करता हूँ तो जॉब की डिटेल्स डालनी है, और उसका जनवरी के जो भी मेरे काम होंगे उनको यहाँ पर डाल दूंगा ताकि जनवरी में मैं उनको क्लोज कर पाऊँ। सो दोस्तों, ये होगा हमारा मेन पेजेस, जहाँ पर हम अपना वीक के हिसाब से सारी चीजें जो है नोट कर पाएंगे। जैसे कि आज है मंडे 01, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने 3 बड़े गोल, और यहाँ पर है एक डैशबोर्ड करके चीज जो कि आप यहाँ स्टिक मार्क करेंगे। अभी हम चलते हैं फ्रंट, जो कि मैंने आपको स्किप करा था हम लोगों ने पेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, तो ये तो है हमारा ये वाला पेज, जहाँ पर आप अपने की नोट्स वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसको पॉज करके अच्छे से देखिएगा, और फिर यहाँ पर आप आएंगे, इसको भी पॉज करके देखिएगा, दोनों को मैच करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई काम की चीज है कि नहीं। सो फ्रेंड, जैसे ही हम नेक्स्ट पेज करेंगे, ये है वीकली प्लानर, यहाँ पर आप अपने 3 गोल लिख सकते हैं, और थोड़ा सा जो स्पेस बचता है वहां पर आप अपनी बाकी की सारी चीजें नोट कर सकते हैं, जैसे कि मेट
माय ओल्ड गैंग, फील ग्रेट टुडे बैक ऑन ट्रैक, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और बाकी इन्होंने जैसे सेकंड वीक में लिखा हुआ है, और तीन टास्क के अलावा अगर आपके पास टास्क बचते हैं तो सेम बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करके पेन से अपना आगे टास्क लिख सकते हैं, क्योंकि काफी जगह बच जाएगी अगर आपके टास्क यहाँ तक आते हैं या यहाँ तक आते हैं। उसके नेक्स्ट है हैबिट्स ट्रैकर, ये बहुत काम की चीज है, पर्सनली मैंने इसको बहुत यूज करा है, मेरे लिए बहुत यूजफुल चीज रही। तो दोस्तों यहाँ पर है डॉटेड शीट जहाँ की आप नोट कर सकते हैं इस हफ्ते आपको क्या चीजें अच्छी लगी, क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर पाए, वो सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको जस्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेम पेज जैसे कि जनवरी 1 वीक में था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वीकली प्लानर, और इसके पीछे मैंने आपको दिखा दिया मंथ स्टार्टिंग प्लानर। और इसको अगर हम ले जाते हैं फरवरी में तो दोस्तों सेम पेज आ जाएगा जहाँ पर आप सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, और आगे के पेजेस भी सेम होंगे। मंथ एंड के ऊपर आपको मिलती है ये वाली पेज। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हैं स्टॉप लुक प्रोसीड जनवरी रिव्यू, तो यहाँ पर आपका जो जनवरी का रिव्यू है उसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, तो यहाँ से डैशबोर्ड है आपका ये वाला। सो दोस्तों यहाँ पर इफेक्टिवनेस डैशबोर्ड करके है, तो ये आपको फिल करना होगा, जैसे कि स्लीप जनवरी 1 तारीख को आपकी कितनी, आपने कितनी नींद ली, पानी पिया, प्रोडक्टिविटी कैसी थी, मूड कैसा था, तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं डे वाइज। और ये आपका फायदा रहेगा आपको ट्रैक करने में कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं और आपका मूड क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर फिल करने के बाद आप सीधा आएंगे अपने उस वीक में और डैशबोर्ड को कर देंगे टिक। सो दोस्तों ये तो हो गया डैशबोर्ड। जैसे ही हम ये सारे खत्म करते हैं, साल के लास्ट में आपको मिलता है 2024 रिफ्लेक्शन एंड सेलिब्रेशन, और यहाँ पर आप अपनी सारी चीजें नोट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वर योर टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम दिस ईयर। और इसको पॉज करके आप पढ़िएगा पूरा, बहुत ही कमाल की चीज है। यहाँ पर आप अपनी लर्निंग्स वगैरह सारी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर होगा लास्ट 12 मंथ बेस्ट मूवमेंट, आपके पूरे महीने के बेस्ट मूवमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर है। सो दोस्तों इस डायरी को परचेज करने का मेरा मेन मकसद ये फाइनेंस डैशबोर्ड भी था, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी जो डायरीज हैं अवेलेबल हैं जिसमें कि आप टू डू लिस्ट वगैरह सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए खास प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे फाइनेंस की डायरी अलग से कैरी करनी पड़ रही थी, टू डू लिस्ट की अलग से, और बाकी नोट्स वगैरह की अलग से। ये जो डायरी है ये तीनों काम एक ही में कर रही है, मुझे सबसे बढ़िया बात इसकी ये लगी। तो यहाँ पर आप अपना मंथली जो है जैसे जनवरी है इसका सारा बजट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, फिर फरवरी मार्च और बाकी सारी चीजें। तो फ्रेंड्स फाइनेंशियली डैशबोर्ड के बाद आपको मिलता है ये वाला पेज जहाँ पर आप अपनी जितनी भी सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, जितनी भी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखी है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नोट कर सकते हैं, रिव्यूज ऑन अमाउंट ऑन, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये भी काफी यूजफुल चीज है जो कि आप अपना बजट मंथली जो डिसाइड करते हैं उसको प्लान करने के लिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटरनेट पेमेंट, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है 100 डे प्रोजेक्ट्स टू डू दिस ईयर, और फ्रेंड्स इसके बाद में आएगा स्किल्स आई वांट टू अक्यूर दिस ईयर। यहाँ पर आप अपने स्किल जो इम्प्रूव करना चाहते हैं और कोर्सेज आप लेना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे, बुक्स आई वांट टू रीड दिस ईयर और प्लेसेस आई वांट टू विजिट दिस ईयर, तो यहाँ पर जो प्लेसेस है और जो कि आपकी सिटी में होंगी या टाउन में होगी और आपकी आउटसाइड सिटी में अपने यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। थिंग्स आई वांट टू बाय दिस ईयर, जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, स्मॉल और बिग में आपको को कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू टेक अप, हॉबीज आई वुड लाइक टू पिक अप, तो यहाँ पर सेल्फ केयर आइडियाज टू ट्राई, होम इम्प्रूवमेंट ट्राई, थिंग्स दैट अपलिफ्ट माई मूड, सॉन्ग्स दैट मेक मी हैप्पियर, तो जो जो गाने आपको अच्छे लगते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पीपल हु इंस्पायर मी, लाइफ कोट्स दैट मोटिवेट मी, यहाँ पर आप अगर कोई बुक पढ़ते हैं या फिर आपको कोई अच्छा सा कोटेशन मिलता है तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं उसको। माई स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान और कॉम्प्लीमेंट्स आई रिसीव दिस ईयर, इंटरेस्टिंग पीपल आई मेट दिस ईयर, थिंग्स आई डिड फॉर अदर्स दिस ईयर, बेस्ट डिसीजंस आई टुक दिस ईयर, टीनी चेंजेस आई मेड दिस ईयर, और लास्ट में मिलता है लाइफ लेसन आई लर्न दिस ईयर। तो ये होगी हमारी कंप्लीट डायरी फ्रेंड्स। और उसके आगे आपको मिलते हैं कुछ स्टिकर्स जैसे कि क्रिटिकल, पुश इट, फोकस, ये सारी चीजें मिलती हैं, हार्ट वगैरह, और इसके आगे भी आपको मिलते हैं ये वाले स्टिकर्स, और उसके आगे ये वाले स्टिकर्स, फिर ये भी, और यहाँ पर मिलता है आपको लास्ट में व्हाइट बोर्ड की तरह। अगर इतनी सारी चीजों में आपका मन नहीं भरता है, मतलब आपको जगह कम पड़ती है, तो यहाँ पर भी इन्होंने जगह दे रखी है कि यहाँ पर भी लिख लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में इसका इंडियन हॉलीडेज एंड ऑब्जर्वेंसेस, और फ्रेंड्स अगर हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉकेट जैसे है, और इसमें है ये थैंक यू करके, फॉर एवरीथिंग यू डू, थैंक यू करके कार्ड्स हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसको मैं काट लूंगा सब तरफ से और जहां जहां पर चाहिए वहां पर लगा दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज करता हूँ इस प्रकार से, इस तरह से, या फिर इसको एक को डैशबोर्ड में डाल देता हूँ ताकि डैशबोर्ड साथ साथ में अपडेट होता रहे।
और तो कुछ इसमें साथ में है नहीं। सो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट टूर इस डायरी का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करी है मैंने, इसलिए थोड़ी लंबी होगी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और दोस्तों ये जो डायरी है मैं पिछले साल से यूज कर रहा हूँ और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी प्रॉपर एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। फ्रेंड्स इस वीडियो को इसी नोट के साथ यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।